I am sure all policymakers will reflect upon very, very carefully. अभी स्थिति ऐसे बन रही है कि आरबीआई को शायद घटाना पड़े और घटाने के लिए आरबीआई के पास अब पॉलिसी स्पेस है। नमस्कार, शेयर बाजार लाइव में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूँ और मैं हूँ डिम्पी कालरा। तो आज का दिन काफी सुहाना लग रहा है क्योंकि 9800 तो बाजार ने कल ही दिखाया, आज हम नए टारगेट्स की तरफ बढ़ेंगे। आज एक नया रिकॉर्ड मिहिर, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि शायद बन जाए, आज ग्लोबल संकेत कुछ वैसे ही हैं। लेकिन जी बिजनेस एक मुहिम चलाई कल, जब इन्फ्लेशन का आंकड़ा आया उसके बाद से समझ में आ गया कि ब्याज दरें तो घटाई जा सकती हैं और ये लगातार जी बिजनेस की पहले से भी मुहिम रही है। कल आपके पास एक बेस भी आ चुका है, इसलिए इसी एजेंडे के साथ आज हम उतर रहे हैं और न केवल इसी एजेंडे के साथ बल्कि आज बाजार का एजेंडा भी आपके सामने रखेंगे। आज सबसे पहली बात तो जो रिटेल महंगाई दर घटी है उसके ब्याज आरबीआई अब दरें घटाएगा, इसके ऊपर उम्मीदें काफी ज्यादा जग गई हैं, तो ये आज के लिए फोकस पॉइंट होगा। आज बैंकिंग चलेंगे क्योंकि आज साप्ताहिक एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी है बैंकिंग की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ग्लोबल संकेत अच्छे हैं तो सेंसेक्स 32,000 की तरफ आ सकता है, इस पे ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आज टीसीएस के शाम को नंबर्स हैं, टीसीएस इंफोसिस में चाल कैसे रहेगी ये भी आज के एजेंडे में हमने शामिल किया है। इन तमाम सारी चीजों के साथ आज हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि आज कैसे ट्रेड करना इसी मार्केट के। तो आज के लिए संकेत तो आपने देख ही लिए, सेंसेक्स पर 32,000 की भनक है और एसजीएक्स निफ्टी में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इन सब के बीच जी बिजनेस की जो मुहिम है वो उससे भी बड़ी है। ये सिर्फ सेंसेक्स के 32,000 या 33,000 होने की नहीं या फिर निफ्टी के 10,000 होने की नहीं, ये इस समय देश की इकोनॉमी की जो मांग है उससे जुड़ी मुहिम है। कल आईआईपी का डेटा और महंगाई दर के आंकड़े आने के बाद फिर से एक बार चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा कि अब तो ब्याज दरें घटनी चाहिए। इससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने जब हमसे खास बात की थी एक्सक्लूसिव जीएसटी के समय, उन्होंने भी ये कहा था कि इस समय जिस तरह का मैक्रो सेटअप है उससे बेहतर संकेत ब्याज की दरों में कटौती के लिए नहीं मिल सकते थे। एक तरफ ये उम्मीद कि ब्याज की दरें घटनी चाहिए, दूसरी तरफ ग्लोबल सेटअप और तीसरी तरफ जैसे आपने कहा आज की वीकली एक्सपायरी, बैंक्स पर नजर, इन सबको अगर हम ध्यान में रखें तो उम्मीद यही की जा सकती है कि आज एक नया माइलस्टोन देखने को मिलेगा सेंसेक्स। बिल्कुल, चलिए शुरुआत करते हैं आज के आंकड़ों के साथ और एसजेएक्स निफ्टी आपको 42 अंकों का जो ये बढ़त दिखा रहा है यही है सबसे ज्यादा दम भर रहा है मार्केट के अंदर। ये 9878 है, 9900 की बेहद करीब है, एक नया रिकॉर्ड बनेगा आज मार्केट के अंदर, उम्मीद तो ऐसे जला रहे हैं। एक बार आज मोटा मोटा आंकड़ा हम खींच लेते हैं कि बाजार के अंदर आज क्या क्या संकेत है, उसके बाद ग्लोबल संकेत देखेंगे और फिर आगे आगे स्टॉक्स पर हम चर्चा करना शुरू कर देंगे। आज ओवरऑल मार्केट का सेटअप कैसे दिख रहा है पहले ये देख लीजिए। आज जो दायरा है बाजार का उसके अंदर ग्लोबल संकेत तो सबको पूरी हेल्प है, ये अच्छी चीज दिख। आप सारा एशियन मार्केट देख लीजिए, आपको इस समय सपोर्ट कर रहा है, कल यूएस और यूरोप दोनों ही बढ़त के साथ बंद हुए थे, तो आज के मार्केट के दायरे के अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होगी मार्केट के अंदर कि आज टीसीएस के और बैंक निफ्टी में वीकली एक्सपायरी होती हुई दिखेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मार्केट के दायरे के अंदर ये दोनों चीजें अहम रहेंगी, एक तो ग्लोबल संकेत, दूसरा टीसीएस के नंबर, तीसरा बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और चौथी इंपॉर्टेंट बात है आज निफ्टी के लेवल से मिहिर 9900 पहला लक्ष्य होगा और 9800 बाजार के लिए आज का इंट्राडे सपोर्ट की तरह कामकाज करेगा, ये बहुत अहम है। बिल्कुल, लेकिन देखिए दो चीजें हो सकती हैं, अगर आज सेंसेक्स 10,000 हो जाता है तो उसके बाद निफ्टी ऑब्वियसली कोशिश करेगा जो इनके लिए अगला बेंचमार्क है यानी 10,000 उसे चेस करने की। लेकिन और एक चीज हो सकती है और वो चीज ये है कि जैसे ही सेंसेक्स 10,000 होगा उसके बाद मार्केट क्या निफ्टी सेंसेक्स जैसे 32,000 होगा, निफ्टी क्या 10,000 होने की वेट बाजार करेगा या फिर उससे पहले ही हैवी प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिलेगी, ये अहम सवाल होगा। कई बार हमने मार्केट में देखा है कि दोनों इंडाइसेस जरूरी नहीं है माइलस्टोन को हिट करें, एक जैसे ही हिट करता है उसके बाद तुरंत वो प्रॉफिट टेकिंग का प्रेशर आता है, तो उस लिहाज से यह काफी जरूरी होगा कि निफ्टी और 10,000 के बीच का आंकड़ा जैसे जैसे कम होगा या फिर गैप कम होगा वैसे वैसे मार्केट का बिहेवियर क्या होगा, क्योंकि देखिए इन लेवल्स पर मार्केट में जो फंडामेंटल प्लेयर्स हैं दे आर स्क्रीमिंग फॉर प्रॉफिट टेकिंग जो कि होती दिख नहीं रही है। सिद्धार्थ सैदानी हमारे साथ हैं और साथ ही अभिजीत पॉल हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सिद्धार्थ, आज कम से कम 10,000 निफ्टी पर सेंसेक्स पर 32,000 का लेवल लुक्स मोर और लेस लाइक अ फॉर्मेलिटी। जी
जी बिल्कुल, इट लुक्स लाइक अ फॉर्मेलिटी एंड इट इज़ वन मोर लेवल. हैविंग सेड दैट, हम मानते हैं कि यहाँ पे मार्केट को कंसोलिडेशन फेज, एक बार अगर 10,000 का आंकड़ा छू लेता है या 32,000 का आंकड़ा छू लेता है तो एक कंसोलिडेशन फेज ज़रूर आ सकता है मार्केट में. साथ ही साथ जो अभी लीडर्स हैं इंडेक्स में, उनके पार्टिसिपेशन अलग अलग सेक्टर्स से मिल रहे हैं. हम मानते हैं कि जो रेट कट की एक एक्सपेक्टेशन जो बढ़ गई है, बैंकिंग सेक्टर में एक लीडरशिप ज़रूर हो सकती है और यही एक निफ्टी को 10,000 और सेंसेक्स को 32,000 ले जा सकती है. स्टॉक स्पेसिफिक पे ध्यान दें क्योंकि रिजल्ट्स के सीजन है और यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा मिलेगा. ठीक है, तो एक बार आप अंतर्राष्ट्रीय संकेत भी अपने ग्राफिक्स से देख लीजिए क्योंकि यहीं से सबसे अच्छा एक बेस बनता है दिखा. कल जब येलन का टेस्टिमनी था तो उसके अंदर डॉविश जो व्यू आया उसके बाद से अमेरिकी बाजार चले. एशिया ने अच्छी क्लोजिंग, आज ओपनिंग अच्छी दी है. कल यूरोपियन मार्केट की भी क्लोजिंग ठीक ठाक हुई थी तो सारे संकेत कहीं ना कहीं ठीक है इंटरनेशनल मार्केट से भी. तो आज डोमेस्टिक कम इंटरनेशनल दोनों ही बाजार के फेवर में आके खड़ा हुआ है और जी बिजनेस की मुहिम पूरी अर्थव्यवस्था के लिए जुड़ी है कि ब्याज दरें कम कीजिए. अब आगे बढ़ जाते हैं. अभिजीत इस बीच मेरे साथ जुड़े हैं. अभिजीत, आज मार्केट के अंदर अगर हमको ट्रेड करना हो तो सरकारी बैंकों पर आपका व्यू क्या है, पर्टिकुलरली क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी भी है. कल हम लोग बिल्कुल हाफ में, सेकंड हाफ में अंतिम बाजी के समय सरकारी बैंकों में पुल बैक में मिला था. आपका व्यू क्या है? गुड मॉर्निंग डिम्पी. यस, इनफैक्ट मार्केट में जो मोमेंटम देखने को मिला था कल, आई थिंक इट्स गोइंग टू एक्सटेंड रियली वेल. बैंक निफ्टी टूवर्ड्स द लास्ट 660 मिनट्स बहुत अच्छा मूवमेंट दिया था, विच वॉज लेटर ऑन फॉलोड बाई निफ्टी. पीएसयू बैंकिंग सेक्टर्स में मुझे एसबीआई अच्छा लगता है. आई सेंस दैट एसबीआई का जो लेट मूवमेंट कल आया था वो आज भी एक्सटेंड होगा. सो आई सेंस बैंक निफ्टी विल लीड द वे इट लेड लास्ट आवर, यस्टरडेज ट्रेड. एंड विद इन द पीएसयू बैंक्स आई विल बी कीपिंग अ क्लोज वॉच ऑन स्टेट बैंक. बिल्कुल, चलिए इस बीच ट्रेडिंग पिक्स देख लेते हैं जिस पर आज आपको नजर रखनी चाहिए. चॉइस ब्रोकिंग के पिक्स क्या है ये देख लेते हैं. सबसे पहले चॉइस ब्रोकिंग का कहना है कि एनसीसी पर आपको खरीदारी करनी चाहिए. टारगेट होना चाहिए 99 का, स्टॉप लॉस होना चाहिए 92 का. काउंटर कल 95 के आसपास बंद हुआ था, इस पर आप नजर रख सकते हैं. साथ ही इंटेलेक्ट डिजाइन, इस पर 136 के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी चाहिए. स्टॉप लॉस होना चाहिए 125 का. कल ये 129 पर बंद हुआ था. और साथ ही जीएमडीसी, यहां पर खरीदारी की सलाह है 158 के टारगेट के लिए आपको बाइंग करनी चाहिए. स्टॉप लॉस आपका होगा 146 का. ठीक है, कुछ एक और ट्रेड भी आप नोट कर लीजिए चॉइस ब्रोकिंग के ही है. रेडिंगटन पे भी आप ध्यान रख सकते हैं, कल अच्छा मूव दे रहा था. 144 रुपए तक के टारगेट के लिए आप इसमें खरीदारी करें. 134 का लगा दीजिए स्टॉप लॉस. इसके अलावा कुछ एक और कॉल्स भी हैं जिस पे आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि आईडीबीआई कैपिटल की आईबी हाउसिंग फाइनेंस को लेकर. आईबी रियल एस्टेट पर आज बैन है, फिंडो बैन है, लेकिन हाउसिंग फाइनेंस में एक बार आप सौदा देख सकते हैं. 1140 का टारगेट यहां पे मिलेगा, 1092 का एक स्टॉप लॉस होगा. इसके अलावा जो रिकमेंडेशन है आईडीबीआई की वो टॉरेंट पावर पे है. ये पिछले नतीजों में तो टूट गया था, इस बार के नंबर से पहले चल रहा है. ध्यान रखें 192 तक के टारगेट के लिए इसमें आप सौदा बढ़ा कर सकते हैं. 184 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा. बोनांजा की भी रिकमेंडेशन है मीर, कुछ वो भी है? बिल्कुल, देख लेते हैं बोनांजा का व्यू क्या है. उनका कहना है कि एचयूएल पर आपको खरीदारी करनी चाहिए. 1160 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए 1114 का. हाँ, तो एचयूएल पर नजर रखिएगा. साथ ही मुथूट फाइनेंस, यहां पर खरीदारी की सलाह है. 490 के टारगेट के लिए आपको बाइंग करनी चाहिए. स्टॉप लॉस होगा 452 का और 468 के आसपास. लेकिन कल देखिए क्लोजिंग में ये भी एक काउंटर है जिस पर हमने अच्छा मोमेंटम देखा. तो कल इनफैक्ट हमने एक बाय कॉल भी सुनी थी, हेमंत भी कह रहे थे कि इस पर लेके जाया जा सकता है, इस पर खरीदारी करनी चाहिए. 490 तक का टारगेट आज बोनांजा ने भी इसकी तरफ से दिया है मुथूट फाइनेंस पे, इस पर आप ध्यान रखें. ठीक है, अब बात ब्रोकरेज हाउसेज का व्यू. आपने ट्रेडिंग कॉल्स आज नोट कर लिए होंगे लेकिन ब्रोकरेज हाउसेज मार्केट के अंदर पर्टिकुलर स्टॉक्स पे क्या कह रहे हैं एक बार वो समझ लेते हैं. संदीप मेरे साथ जुड़े हैं. संदीप, ये टाटा स्टील कई दिन से चल रहा है, एनटीपीसी टिपिकली एक्सपायरी का शेयर है, इसके अंदर भी मूव आना शुरू हुआ है, इन दोनों पे भी रिपोर्ट है क्या? बिल्कुल, टाटा स्टील के अलावा इनफैक्ट पूरा टाटा ग्रुप है, देखिए काफी ज्यादा एक्टिव है. कल टाटा ग्लोबल भी चल रहा है और बाकी जो टाटा स्टील की सब्सिडरीज हैं उसमें मूव काफी पॉजिटिव है. इनफैक्ट एचएसबीसी की जो रिपोर्ट आई है बाय उन्होंने मेंटेन किया है, टारगेट प्राइस देखिए शार्पली इंक्रीज किया है. पहले 550 रुपए का टारगेट प्राइस था, अब उसे बढ़ाकर 750 रुपए किया है. उनका कहना है कि एक तो घरेलू कारोबार में रिकवरी के संकेत है और दूसरा यूके में इनका जो पेंशन मामला सुलझा है वो एक पॉजिटिव ट्रिगर है. और थायसन क्रॉप के साथ अगर विलय होता है इनका तो उससे तो हो सकता है कि शेयर की रेटिंग भी हो जाए, जिस वजह से उन्होंने टारगेट प्राइस में
शार्पली इंक्रीज किया है 200 रुपए का। नमूरा का कॉल आया है एनटीपीसी के ऊपर, उनका कहना है कि आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं, 200 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। उनका कहना है कि FY20 यानी कि यहां से दो वित्त वर्ष आगे तक इनका मानना है कि जो इनकी पूरी कैपेसिटी है, जनरेशन कैपेसिटी है, उसमें हो सकता है करीब 33% के आसपास का जो जंप है वो देखने को मिल सकता है, जिस वजह से नमूरा पॉजिटिव है, 200 रुपए तक के टारगेट प्राइस हो जा रहे हैं वो। ठीक है, इसके अलावा कुछ और रिपोर्ट्स भी हैं। इसके अलावा बायोकॉन आज शेयर है, जो कि आज इनकी एडवाइजरी कमेटी के पास इनका एक जो बायोसिमिलर का मामला है वो सामने आएगा, उसको लेके सीएलएसए की रिपोर्ट आई और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। डीपी देखिए, सेल मेंटेन कर रहे हैं वो, 186 रुपए का टारगेट प्राइस दे रहे हैं। उनका कहना है कि हो सकता है कि जो बायोसिमिलर है उसको अप्रूवल मिल जाए, अगर अप्रूवल मिलता भी है तो उनका कहना है कि पर शेयर जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो करीब 52 रुपए के आसपास का होगा। और इनफैक्ट इस बायोकॉन के अलावा चार और ऐसी कंपनियां जो कि इस दवा को डेवलप कर रही हैं और बैंगलोर यूनिट में ऑलरेडी दिक्कतें चल रही, तो हो सकता है कि इसके लॉन्च में जो देरी है देखने को मिले। तो ओवरऑल देखा जाए ये जो पूरा मामला है बायोसिमिलर वाला, सीएलएसए मानता है कि पूरी तरह से डिस्काउंटेड है और बिकवाली करके चले वो ज्यादा बेहतर नीति होगी। इसके साथ साथ दो आईटीसी के ऊपर पॉजिटिव कॉल्स आए हैं, एक तो सीएलएसए ने कन्विक्शन बायलिस्ट में से शामिल किया है, 470 रुपए का टारगेट प्राइस दिया। उनका कहना है कि सिगरेट के जो दाम है कुछ राज्यों में 1-2% कम हुए हैं, उससे हो सकता है कि FY18 में जो वॉल्यूम्स हैं उसमें अच्छा खासा इजाफा देखने को मिले। और सिटी ने भी बाय रेटिंग बरकरार रखी है, 380 का टारगेट प्राइस दिया। उनका इनफैक्ट ये कहना है कि अगर आप बाकी शेयर कंपेयर करें सेक्टर के तो 25% डिस्काउंट पे काउंटर अब भी अवेलेबल नजर आ रहा है। इसके अलावा टाटा मोटर्स के ऊपर मैक्वायरी की एक रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म रेटिंग उन्होंने दी है, 575 का टारगेट प्राइस दिया है। वो कह रहे हैं कि अगर आप FY19 के बेसिस पे शेयर को देखें तो अब भी ये महज 8 के पी मल्टीपल पर अवेलेबल है, और वैसे भी FY18 और 19 में JLR के मार्जिन में इजाफा देखने को मिलेगा, वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। और आखिर में OMCs, तीनों OMCs को देखिए, सिटी ने इसके ऊपर बाय कॉल दिया है, HPCL, BPCL, IOC इन तीनों पे पॉजिटिव है। HPCL के टारगेट है 467 के, BPCL पर 800 रुपए और IOC ये सबसे बड़ी कंपनी है स्पेस की, 472 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आज काफी कुछ होगा जो कि लाइव वायर की तरह होगा मार्केट में, चाहे वो 32,000 का लेवल हो सेंसेक्स पर या फिर SGX निफ्टी, जिस तरह का ट्रेड इस समय दिखा रहा है, करीब 0.5% की तेजी, 9878 का लेवल यहां पर। और एक देखिए, आज जो तेजी है ग्लोबल मार्केट्स में उसका ट्रिगर जो है वो फिर से एक बार यूएस मार्केट से आया है, जिसके चलते यूएस मार्केट गए हाई पे, लेकिन उसकी फाइन प्रिंट अगर आप पढ़ें जो जिसकी वजह से मार्केट भागे हैं, तो वो ये है कि जो सबसे बड़ा टेक अवे है जेनेट येलेन के बयान का, वो ये है कि ब्याज की दरें बढ़ाने में उनकी तरफ से कोई जल्दबाजी नहीं होगी। ये देखिए, ये चेंज ऑफ स्टांस है वो डॉविश हो रही है फिर से एक बार कि हम अग्रेसिवली करना नहीं चाहते हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, हालांकि जो उनका बयान था उसका जो टेक अवे है जिसकी वजह से मार्केट भागा है वो ये है दैट शी इज टर्निंग डॉविश, और ये ग्लोबल मार्केट्स के लिए अच्छी खबर है क्योंकि इसका सीधा अर्थ ये निकलता है कि जो लिक्विडिटी का फ्लो है वो जारी रहेगा फिलहाल, ऐसा नहीं है कि तुरंत ये बंद होने वाला है, एटलीस्ट वो प्रीपोन नहीं हो रहा है, ये अच्छा ट्रिगर है मार्केट के लिए। ठीक है, अच्छा मिहिर, एक और चीज भी है, अब आपने इतनी बात बताइए, एक और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन के भी बॉन्ड खरीद हुई है, ना केवल प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट बल्कि बॉन्ड मार्केट डेट मार्केट में भी रिकॉर्ड कल बल्क डील के जरिए खरीदारी हुई है, इसका क्या मीनिंग समझे? इंडिया में भी बॉन्ड मार्केट के अंदर बाइंग हो रही है, जो सरकारी बॉन्ड्स है वो खरीदे गए, कल टेम्पल्टन की तरफ से बाइंग, अब देखिए इंडिया में भी, इनफैक्ट आप पिछले एक महीने का अगर FIIs का फ्लो देखेंगे उसमें अच्छा खासा पैसा जो है वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में गया है इंक्लूडिंग बॉन्ड्स, तो वो हो ही रहा है और वो होगा भी कुछ हद तक। लेकिन देखिए आज का जो सेटअप है ना उसे अगर आप देखें तो दो चीजें जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए, एक आपको सबसे पहला ट्रेंड देखना होगा कि सेंसेक्स अगर 32,000 हिट कर देता है तो उसके बाद निफ्टी बिहेव कैसे करता है, और जैसे जैसे निफ्टी 10,000 के नजदीक पहुंचेगा वैसे वैसे आपका जो कॉशन है वो भी उतना ही बढ़ना चाहिए, बिकॉज ये उससे पहले कहां वापस घूमेगा ये बताना थोड़ा मुश्किल होगा। अभिजीत, आप क्या कहना चाहेंगे? That's true, right, Mihir? Because you know the kind of momentum that we are in right now, market mein, when a market goes into a new life high, or the kind of momentum that we have had. Chota mota bhi ek correction aata hai, we see a very good bounce back. Sectoral rotation bhi kafi acha ho raha hai. We see the large caps showing the kind of strength, outperforming the others. And in fact, this entire scenario started with Reliance in Industries when the stock broke out. I think that was the key factor for the overall market. आई सेंस कि जब एक मार्केट एक 52-week हाई एक लाइफ हाई की तरह तड़प रहता है एंड यू कैन नॉट एक्चुअली प्रेडिक्ट वेयर इट कैन गो, साइकोलॉजिकल लेवल्स राउंड फिगर्स ऑब्वियसली रहते हैं, बट आई सेंस दैट दिस ट्रेंड इज होल्डिंग रियली स्ट्रॉन्ग। 97 के ऊपर जब ब्रेकआउट आया दिस वीक इट नेवर लुक्ड बैक, सो आई सेंस दैट देयर आर मच हायर अपसाइड्स लेफ्ट इन द इंडेक्स। ठीक है,
बिल्कुल अलग अलग स्टॉक्स पे आ जाए, एक बायोकॉन पे आपकी रिकमेंडेशन किया, अभी हमको एक रिपोर्ट सीएलएसए की जो मिली है ना अभिजीत, वो तो कह रहे हैं कि सेल करना चाहिए, ऑलरेडी डिस्काउंटेड है इनका बायोसिमिलर जिसको लेकर आज बैठक है। आप चार्ट्स पे का स्टडी कर रहे हैं, बायोकॉन पे कैसे ट्रेड लें? डीपी, बायोकॉन के बारे में हम लोग मंडे भी इनफैक्ट डिस्कस कर ही रहे थे। बायोकॉन का जो वीकली मंथली चार्ट्स है ना वो उतना खराब नहीं है, इनफैक्ट दी मंथली चार्ट्स आर फेयरली स्ट्रांग। डेली चार्ट में काफी नॉइज है, काफी जोर से गिरा, देन द बाउंस बैक वाज वेरी शार्प, वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, सो देयर इज लॉट ऑफ नॉइज, वोलेटिलिटी का लेवल काफी हाई है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ गुड टाइम अगर आप ठीक से टाइम कर सकते हो। आई विल प्रोबेबली, अगर आप मुझे पूछ रहे हो क्या 366 में मैं बायोकॉन अपने कैश पोर्टफोलियो में बाय एंड होल्ड के लिए अभी ट्रेड करूं, प्रोबेबली नॉट। ये जो नॉइज है आई विल वेट फॉर इट टू सेटल डाउन। आई थिंक सब 340 इज अ प्रीटी गुड प्राइस टू एड इट ऑन द कैश पोर्टफोलियो। ठीक है, इस बीच टीसीएस के भी नंबर्स आएंगे, एक बार आपके सामने अनुमान रख देते हैं, इस बार करीब 7% के आसपास का पैट कम आ सकता है टीसीएस पे। सिद्धार्थ, आपकी रिकमेंडेशन क्या है टीसीएस को लेकर, क्योंकि आज शाम को नतीजे आएंगे, ठीक उससे पहले ट्रेडर्स क्या करें? कल तो लोवेस्ट लेवल पे था ये, कल बिल्कुल इंट्राडे लो पे ही बंद हुआ था ये। देखिए, टीसीएस के नतीजे सबड्यूड आने वाले हैं ये क्वार्टर में, ये मोर ऑर लेस डिस्काउंटेड है प्राइस में। अगर रेवेन्यू की बात करें, जिसे हम डॉलर रेवेन्यू भी कहते हैं, इसमें 3 से 3.5% का एक ग्रोथ आ सकता है, हालांकि जैसे आप बता रहे हैं कि प्रॉफिट 6 से 6.5% के आसपास गिर सकता है, तो सबड्यूड नंबर्स रहेंगे जैसे पिछले क्वार्टर में थे। इसीलिए हमारा एक स्ट्रैटेजी अलग है आईटी स्पेस में, हम मानते हैं कि मिड कैप श्रेणी में ज़्यादा फोकस करनी चाहिए रादर देन लार्ज कैप, क्योंकि टीसीएस या इन्फोसिस के नतीजे सबड्यूड ही रहेंगे, एचसीएल टेक के लार्ज कैप में अच्छे रहते हैं। तो आईटी मिड कैप स्पेस में अगर ध्यान देना है तो वो साइलेंट पे ध्यान दे, पर्सिस्टेंट पे ध्यान दे और सोनाटा सॉफ्टवेयर पे ध्यान दे, तीनों ही कंपनियां मोर ऑर लेस इम्यून है, और पर्सिस्टेंट की जिस हिसाब से आईओटी की जो करार है आईबीएम के साथ, ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ला सकती है आने वाले समय में, तो मिड कैप आईटी स्पेस में जरूर ध्यान देना चाहिए। ठीक है सिद्धार्थ, आपकी तरफ से आज एडवांस एंजाइम आप प्लस करने की रिकमेंडेशन दे रहे हैं, टारगेट क्या है इसका? ठीक है, एडवांस एंजाइम का टारगेट 415 है, एक निश प्ले है, क्योंकि एंजाइम्स बिजनेस में जो कैटलिस्ट की तरह काम करता है फार्मा, टेक्सटाइल्स और बहुत सारे इंडस्ट्री में, मैनेजमेंट क्वाइट बुलिश है, मार्जिन्स अच्छे हैं, और सबसे बड़ी चीज ये हमने हमारी यूनिक लीडर के रिपोर्ट में निकाला है, एडवांस एंजाइम इज वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट, इंडिया सेकेंड बिगेस्ट आफ्टर नोवो एंजाइम, तो एक लीडर है एंजाइम स्पेस में। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 15 से 20% के सेल्स ग्रोथ, 25 से 30% प्रॉफिट ग्रोथ और करीबन 40 से 45% का मार्जिन आ सकता है, डेट फ्री कंपनी है, तो हम मानते हैं कि एडवांस एंजाइम निश प्ले के हिसाब से और एक मार्केट लीडर के हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है 415 के टारगेट से। ठीक है, इस पीछे आप कुछ एक और स्टॉक्स भी देख लेते हैं, एक बार अभिजीत आप स्पेशलिटी रेस्टोरेंट पे देखिए, इसका एक करार हुआ है एक रेस्टोरेंट और चेन के साथ, और यूएई में 3 रेस्टोरेंट खोलने के लिए जा रहे हैं, इनको फ्रेंचाइजी मिला है इसके लिए, आपके रिकमेंडेशन क्या है, ये शेयर चलेगा क्या? वेल डीपी, शेयर तो चल ही रहा है ओवर द लास्ट आई थिंक 4 वीक्स, ऊपर में एक रेजिस्टेंस जोन जो है 120-125-26 का वहीं पे अटका हुआ है। आई थिंक रिसेंटली अपने को जो वन वे मूव मिला वो थोड़ा अभी टेपर डाउन होगा, 110 का सब सपोर्ट काफी स्ट्रांग है। वेल मीडियम टर्म चार्ट्स, लॉन्ग टर्म चार्ट्स उतने कुछ खास नहीं है, दे आर नॉट दैट ग्रेट, शॉर्ट टर्म चार्ट्स हैव इम्प्रूव रियली वेल, सो आई थिंक बाय ऑन अ डिप मेक सेंस। 120-125 का जो रेंज मैंने बोला आई थिंक दैट विल बी वेरी क्रूशियल फॉर द स्टॉक। नीचे में फ्रॉम अ रिसीवर पॉइंट ऑफ व्यू अगर 110 में मिलता है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ क्लोज टू 100-105 आई थिंक मेक सेंस टू अक्यूमुलेट। ठीक है, 110 में मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ पे प्लस किया सकता है। यह खबर ना एक आंध्रा बैंक पे भी है, करीब 1,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहता है क्यूआईपी के जरिए, लेकिन आज बैंकिंग पे ना क्यूआईपी कम और बल्कि ब्याज दरों का मौका थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। मिहिर, ये इस समय एक ऐसा समय है कि जब आरबीआई कंफर्टेबली घटा सकता है दरें, क्योंकि मार्केट को नीड तो है। देखिए, वो तो अगर आप सरकार की सुने, उनका तो ये मानना है कि पिछले 3 महीने से कंफर्ट जोन में है आरबीआई, तो इस सरकार की बात मान क्यों नहीं रहा? मैंडेट नहीं है, जरूरी नहीं है मानना, लेकिन देखिए पिछली बार जो इनफैक्ट हमारी वित्त मंत्री से भी बात हुई थी, उन्होंने यही कहा था कि इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन ये मैंडेट करता है कि फाइनल कॉल जो होता है वो सेंट्रल बैंक का होता है, रिजर्व बैंक, और इनफैक्ट ज्यादातर देश में वही है, लेकिन वो जो मैक्रो इंडिकेटर्स गिना रहे थे
वो तब से लेकर अभी तक अगर आप देखें ना तो वो और फेवरेबल हो गए हैं, क्योंकि आपकी महंगाई की दर और नीचे आ गई और साथ ही जो आईआईपी है वो भी और नीचे आ गई। एक बार सुनते हैं क्या कहा था उन्होंने। Clearly, this low number and what it implies about underlying price pressures, as well as the latest data on the IIP, is something that I am sure all policy makers will reflect upon very, very carefully. तो यहाँ पे आपने अरविंद सुब्रमण्यम को तो सुनी लिया, लेकिन सिद्धार्थ आपकी तरफ से आज का कोई बैंकिंग शेयर? देखिए, हम मानते हैं कि इंडसइंड बैंक के नतीजे आए हैं, बैंकिंग शेयर में इंडसइंड बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से इनके रिटेल स्पेस में फोकस है, निम्स अच्छे इंप्रूव हो सकते हैं। ओवरऑल नंबर्स के हिसाब से एनपी और एसेट क्वालिटी अंडर कंट्रोल है। इंडसइंड बैंक 1700 के टारगेट प्राइस से बाइंग किए जा सकती है। ठीक है, एंडरसन बैंक यहाँ पे दिया गया है, इस पर आप ध्यान रखें। नंबर्स के बाद खराब कल चला भी था, रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव आई थी, कल करीब 0.25% के साथ ये बंद होता हुआ दिखा। ग्रेफाइट इंडस्ट्रीज भी आप एक रिकमेंडेशन है सिद्धार्थ की, टारगेट 296 के हिसाब से आप इसमें एक सौदा खड़ा कर सकते हैं। ग्रेफाइट इंडस्ट्रीज टारगेट 296, इस पर एक आपको सौदा ध्यान में रखना होगा। तो ये कुछ एक ऐसी ट्रेडिंग कॉल्स है, इस पर आप ध्यान रखें। कुछ एक और शेयर्स भी डिस्कस कर लेते हैं। बीएमएल पे आपके रिकमेंडेशन क्या अभिजीत? इसमें खबर यह है कि नेशनल लॉ स्कूल के साथ इन्होंने करार किया, कुछ एक्सपेंड करना चाहते हैं, सरकार कुछ विनिवेश भी करना चाहती है। वेल, बीएमएल काफी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। यू नो, आई विल नॉट अप्रोच बीएमएल फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। जब मैं डेली, वीकली, मंथली चार्ट देखता हूँ, अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम्स काफी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। आई थिंक ब्रेकआउट्स और अपॉर्चुनिटी अगर ये देता है टू बाय ऑन अ डिप्स मेक सेंस। ट्रिगर्स लाइक दिस विल डेफिनेटली कम। इमीडिएट मोमेंटम जब आएगा विल बी व्हेन इट क्रॉसेज दैट 1595 1600 मार्क। आई एम क्वाइट बुलिश ऑन द स्टॉक फ्रॉम अ स्लाइटली मीडियम टू लॉन्ग लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। नीचे की तरफ 1450 1475 का जो रेंज है सपोर्ट, इट्स फेयरली स्ट्रॉन्ग, एंड आई सेंस दैट द अप्रोच फॉर बीएमएल एंड द काइंड ऑफ मार्केट दैट वी आर इन राइट नाउ, BML should be approached to buy on a dip for sure.